कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है जो आज बहुत ज़्यादा कंट्रीज में 100 से ज़्यादा देशों में फैल गया है। कोरोना वायरस जो है ये सार्स कोवी टू, इसके जो वायरस का नाम है वो दिया गया है, और इसकी डिजीज़ का नाम है कोविड-19। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हर आदमी को ये चिंता है कि कहीं मुझे ये तो नहीं है। तो बेसिकली इसके सिम्टम्स हैं बुखार होना, ठंडी लगना, गला दुखना, सांस की समस्या होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। पर कॉमन कोल्ड और जो कोरोना यानी कोविड-19 में फ़र्क क्या है, बेसिकली कॉमन कोल्ड के अंदर म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, कोविड-19 में नॉर्मली नहीं होती हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फीवर, और दूसरा है कि अगर आपको फीवर है पर साथ में म्यूकस डिस्चार्ज है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोविड-19 नहीं है। फैलता कैसे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये फैलता है मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं यानी फासला रखते हैं और अपने घरों में रहते हैं, तो आप सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट बीमारी स्प्रेड नहीं होगी। और अगर किसी को ये है जो कि बिना टेस्टिंग के पता लग ही नहीं सकता, तो घर में बैठे बैठे उसको सिम्टम आ जाएंगे, जैसे बुखार होना, कोई रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होनी, तो ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल में जब जाएगा तो टेस्टिंग में उसका पता चल जाएगा। तो इससे हमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है आगे फैलना। और अब एक अगली बात आती है, कुछ मिथ हैं, मतलब भ्रम है लोगों को। जैसे कि लोगों को भ्रम है कि जी हमने जनता कर्फ्यू किया तो हमने उसमें 14 घंटे जो है लोग घरों में रहे तो ये बीमारी खत्म हो गई। नो, ये एक बिगनिंग है, एक लड़ाई की शुरुआत है, और इस लड़ाई को लंबे चलना है। ये तो हमने एक शुरुआत की है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, उसको मेंटेन करने की। लोगों को लगता है कि जी वायरस की लाइफ जो है ना 12 घंटे है, तो अगर 14 घंटे हम घर में रहे तो वो वायरस खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। आप समझिए बात को कि जिसको ये बीमारी है वो कैरियर है, उससे ये बीमारी स्प्रेड होती है। और मैनी टाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को खुद ही नहीं पता होता कि मुझे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, तो अगर उसको पता ही नहीं वो कैसे बताएगा। तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रुकना, उससे वो जो सिम्टम्स जब सामने आएंगे तो ऑफकोर्स पता लग जाएगा। दूसरा, लोगों को एक ना पैनिक की सिचुएशन लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप पैनिक ना करिए, हमारी गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उन्होंने जब एश्योर किया है कि किसी भी चीज़ की, फूड प्रोडक्ट्स की, किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं आएगी, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बीमारी ना फैले तो आप घर में रहें। तो आप पैनिक में आके सब्जियां खरीद रहे हैं, ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं, उससे चीज़ों को आप महंगा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट पे डबल स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि उसको ये भी देखना पड़ रहा है कि कॉस्ट बढ़ ना जाए। तो आप गवर्नमेंट के काम को बढ़ाइए मत, कम करिए, उसी से ये जो समस्या है धीरे धीरे खत्म हो गई। और दूसरा, एक ना और लोगों के मन में है कि जी बड़ी जल्दी गर्मी आने वाली है, तो 35-40 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होगा वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि हाई टेम्परेचर में ये वायरस खत्म हो जाता है। हाँ, ऑफकोर्स ऐसी प्रजम्पशंस हैं कि हाई टेम्परेचर में इसके आगे फैलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। हाउ मच डेंजरस इट इज, क्या ये बहुत खतरनाक है, इससे मौत हो जाएगी। देखिए, जो वर्ल्ड वाइड मॉर्टेलिटी रेट है यानी डेथ होने की संभावना है, वो अप्रोक्सीमेटली 4% है, पर WHO के अकॉर्डिंग शायद ये 2% है। तो मॉर्टेलिटी रेट इतना नहीं है, पर जो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फैल गई तो एक से दूसरे को हो जाती है और आगे आगे बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। तो चिंता ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बहुत बड़ा लोड आ जाएगा, और ये डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग भी है। इसमें मेनी टाइम्स वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस केस में सिचुएशन बहुत रिस्की हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम की एक कैपेसिटी तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, हर कंट्री की एक हेल्थ केयर कैपेसिटी है, इंडिया की भी है, वो एकदम से एक्सपेंड नहीं हो सकती। तो इसलिए ये डेंजरस है और स्प्रेड हो सकता है। अब इसमें हमें आगे आता है डू एंड डोंट, हमें करना क्या है।
इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जब भी आप घर में रहते हो या अपने ऑफिस में जाते हो, अब तो वैसे कर्फ्यू है तो बहुत कम लोग बाहर जाते होंगे, वो भी विद परमिशन। तो आपको अपने घर में भी ये ध्यान रखना है, जब एंट्री हो तो गेट को हाथ लगाया तो सैनिटाइजर से क्लीन कर लिया, गेट को सैनिटाइजर से क्लीन करना है या प्रॉपरली उसको सोप वाटर से साफ करते रहना उसके हैंडल को। उसके बाद आप घर में गए तो ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा भी बाहर गए हैं तो आपने अपने क्लोथ्स को चेंज करना, नहाना है, उसके बाद ही किसी को टच करना। और हैंड वॉशिंग इसमें की है, बार बार कुछ देर के बाद आपको हाथ धोने चाहिए, कहीं भी आपने टच किया आपको हाथ धोना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि घर में कोई भी आपके काम करने वाले मेड हैं या कोई आपके लोग काम करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि अगर किसी को भी कफ कोल्ड है तो आपको उसके नज़दीक नहीं जाना, उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक आदमी से बात करते हुए मिनिमम 6 से 7 फीट का फासला रखना चाहिए, ताकि अगर वो कफ या उसको कफ है और कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आपको ना हो जाए। कोरोना वायरस के बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए। पहली बात, आपने डरना कोई नहीं, अवेयर होना है और अपने साथ वालों को भी समझाना है कि ये अगर हम घर में रहेंगे तो हम इस बीमारी को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, ये भी आपके देशभक्त होने का एक प्रूफ है। आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, अपने साथ वाले को भी समझाओ। शुरू में किसी को अगर बुरा लगता है कि हाथ नहीं मिला रहा, आप उसको समझाओ कि अब नमस्ते ही करनी है और वो भी दूर से, और 6-7 फीट का आपस में फासला मेंटेन करना है। दूसरा, इस समय पे आप ये सोचिए कि आपको अपनी सोसाइटी को हेल्प करना है। अब जैसे आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो जिसको खाने की समस्या आ रही है या जिसके घर में और कोई नहीं है, तो आप ध्यान रखो कि उसको खाना प्रोवाइड करवा दो कि उसको समस्या ना आए। तो यही टाइम होता है जब हमको अपने इंसानियत का सबूत देना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है। और हम फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से हम उस देश में रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट पुट एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ हेल्प करनी है तभी कुछ हो पाएगा। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, पहले उन्होंने जो है आपको कहा कि घर में बैठो तो लोग बैठ ही नहीं रहे, बाहर घूम रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वेकेशन होगी, छुट्टियां होगी, अब एंजॉय करो, क्रिकेट मैच खेलो, क्लब में बैठ के ताश खेलो। वो समझ नहीं रहे कि इससे कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। वो इकोनॉमिक क्राइसिस गवर्नमेंट क्यों उसको क्राइसिस को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि उसको आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ज्यादा कीमती लगती है। आपके देश का प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप घर में रहो, अपना ध्यान रखो, अपना टाइम निकाल के अपनी पूरी एनर्जी उन्होंने इस पे लगाई हुई है कि ये बीमारी ना फैले। और आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप घर में रुक जाओ और एक दूसरे से ना मिलो कुछ दिन। और भी बहुत सारे काम हैं जो आप घर में बैठे कर सकते हो। इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो लिमिटेड है, टेस्टिंग फैसिलिटी भी लिमिटेड है। तो आप ऐसे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करके अब 100 के 1000 मरीज में कन्वर्ट कर दोगे तो गवर्नमेंट पे कितना लोड आएगा? और एट द एंड देखिए, नेचर का एक प्रिंसिपल है, ये बीमारी तो खत्म हो जाएगी, ये बहुत लंबा नहीं चलेगी, पर उसके बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, तो अगर आप आज की डेट में गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आप पे ही है, अकेली गवर्नमेंट की नहीं है। तो भाई इन दी एंड आपके पास 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला, घर पे रहिए, सेफ रहिए, 14-15 दिन तक अपने परिवार के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी आपको खांसी, बुखार, जुकाम ऐसा कुछ भी सिम्टम आता है तो डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो तीसरा, फोटो फ्रेम में तो जाने का ऑप्शन आप सबके पास है ही है।